हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन से एक चैनल जो प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन इससे पहले वाले सेशन में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देखो वो सेशन मेरे लिए स्पेशल बन गया बिकॉज इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे मैंने कुछ और चीजें भी आपको बताई थी तो आपको वो सेशन कैसा लगा इसका जरूर मुझे फीडबैक आपको मुझे देना है कॉमेंट सेक्शन में तो आप मुझे बिल्कुल इस वाले कॉमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो प्रीवियस वाले सेशन में भी दे सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज

कभी भी जाके आप देख सकते हो one more thing, students, आपको कोई भी सारी चीजें मिल जाएगी ठीक है तो भाई इतनी सारी फैसिलिटीज दे दिए तो जल्दी से आपको लाइक like भी करना है शेयर भी करना है कॉमेंट भी करना है ठीक है और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा चलो ठीक है तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान्स ठीक है तो फाइव प्लान क्या बोलता है भाई ईयर प्लान ये बोलता है कि एक साल में अचीव नहीं कर पाएंगे पांच साल तक एक ही चीज पे काम करने की कोशिश करो अपने अगर मैं बात करती हूँ मेरे प्लानिंग कमीशन कमीशन अभी है क्या ये बता दो मुझे अब मेरे पास क्या आ गया है नीति आयोग आ गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये आ गया थे मेरे पास 2015 में जब हमारी जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी ना तो प्लानिंग कमीशन को हटा के हमने नीति आयोग लेकर आ गए थे ठीक है तो सबको जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखना है मैंने बता भी दिया है वैसे लेकिन किस किसने सुना ये मुझे जानना है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ

लेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे तो ये मेरा एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था ये तो सबको पता है है ना कब हमने उसको इनफोर्स किया था दैट इज हमारा 26 जनवरी 1950 में और 15 मार्च ठीक है नाइनटीन में ही हमने प्लानिंग कमीशन बनाया है ठीक है प्लानिंग कमीशन आया है और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ठीक है अब बात आती है मेरे पास ब्रॉड फंक्शंस ऑफ हमारे प्लानिंग कमीशन के क्या थे सबसे पहले असेसमेंट ऑफ कैपिटल मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस आप प्लान कर रहे हो लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके पास रिसोर्सेज कितने तो हमने सोच लिया कि नहीं अपन तो जाएंगे बढ़िया उधर और ये कर लेंगे वो कर लेंगे पहले ये तो सोचो कि आपका बजट कितना है फिर आप सोचोगे दस हज़ार का बजट है दस हज़ार के हिसाब से कोई ट्रिप सोचनी है ऐसे ही सोचते हैं सो दैट इज साहब पहले क्या जरूरी होता है कि आप असेसमेंट कर लो चेक कर लो कि आपके पास कितनी कैपिटल है कितना मटेरियल है और कितना ह्यूमन रिसोर्सेज है पहले आप ये चेक करो भाई फिर क्या आता है मेरे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज तो पहले आपने देख लिया कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं फिर आप देखोगे कि प्रायोरिटी क्या है दस हजार रुपये ट्रिप चली जाऊँ कि अपनी फीस भर दूँ तो प्रायोरिटी क्या है फीस भर दो राइट right? पहले फीस खत्म करो उसके बाद नेक्स्ट मंथ सेविंग करके भली घूमने चले जाना लेकिन फीस आई प्रायोरिटी है है ना सो दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा फिर क्या है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्लान फॉर इट्स बैलेंस एंड मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा तो पहले आपने देखा कि भाई मेरे पास सामान कितना है फिर आपने देखा कि मेरी जरूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से आपने देखा कि ठीक है दस हजार में से पांच हजार राशन के लिए दो हजार में अपने एक्सपेंसेस के लिए रख लूंगी तीन हजार में सेव कर लूंगी है ना तो आपने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह अलॉट कर दिया तो यहां पे जब मैं बात कर रही हूं आपको अब क्या करना एक ऐसा प्लान बनाना है जो आपके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए बेटर हो राइट right? इसका स्क्रीनशॉट लोके okay.

उसको पहले हमें उनको पहले उस चीज से निकालना जरूरी है कि मिनिमम से मिनिमम हमारा पॉवर्टी नीचे जाए फिर क्या था हमारे पास कि जो इकॉनॉमी हमारे पास इतनी बैकवर्ड आई थी उसको डेवलप्ड नेशन डेवलप्ड इकॉनमी में कैसे कन्वर्ट करें ऐसे गोल्स को हमें चूज करना था गोल्स का मतलब क्या होता है टारगेट एम जो आप चाहते हो अचीव करना है ना सो दैट इज वाई अगर मैं बात करती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन कौन से गोल्स थे सबसे पहले ग्रोथ सेकेंड मॉडर्नाइजेशन थर्ड सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ था मेरे पास एक तरीके से इक्विटी अगर मैं बात करूं आज के सिनेरियो को देख के तो ग्रोथ कहीं ना कहीं हमारी पहले से तो बेटर है मॉडर्नाइजेशन पे भी हम काम कर रहे हैं अभी आपको पता है भाई चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है तो सेल्फ रिलायंस में हम काम कर रहे हैं फिर जाके हम इस पर भी आएंगे तो जो फोर गोल्स आपको दिख रहे हैं जो स्टार्टिंग में बनाए गए थे 1950 में आज भी उतने ही चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं गोल्स अभी भी सिमिलर ही है मेरे कि मुझे ग्रोथ चाहिए मुझे मॉडर्नाइजेशन चाहिए इक्विटी चाहिए और साथ में सेल्फ रिलायंस चाहिए तो ये मेरे तरीके से फोर पैरामीटर्स की तरह आप ले सकते हो बेसिक एक पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसी भी एक प्लान में होने चाहिए क्या होना चाहिए ग्रोथ की बात होनी चाहिए मॉडर्नाइजेशन की बात होनी चाहिए सेल्फ रिलायंस की बात होनी चाहिए और इक्विटी की बात होनी चाहिए क्लियर स्क्रीन शॉट ऑफ दिस फिर हम इसको डिस्कस करते हैं डन तो अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स ग्रोथ की कि किसी चीज को बढ़ाना हम बोलते हैं ग्रोथ है ना हम बोलते हैं ना लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही इसने मैंने करियर स्विच कर लिया या लाइफ में ग्रोथ ही नहीं हो रही कुछ हो ही नहीं रहा तो ग्रोथ का मतलब क्या है व्हेन यू वांट टू टू इवॉल्व इवॉल्व एज एज अ अ पर्सन सिमिलरली वी वांटेड इंडिया कंट्री उसकी ग्रोथ हो आपने देखा होगा कि इससे पहले हम लोग कैसे इकोनॉमी बन गए थे स्टेग्नेशन हो गया था स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है बिल्कुल कछुए की चाल जैसी हमारी ग्रोथ हो रही थी ना के बराबर तो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करना वैसे ही हमारा हम चाहते थे कि हमारा इंडिया भी ग्रो करे सो दैट इज वाई द प्राइमरी एंड द फोर मोस्ट

કેમે پتہ હે ભાઈ બેન્કિંગ ઓર ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક એસા સેક્ટર હે જહા પે અગર હમ લોગ કામ કરતે હે તો ભાઈ ઓફકોર્સ પૈસા ભી જ્યાદા જનરેટ હોગા તો લોકો કા ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ભી હોગા તો યે ચીઝ હમારે પાસ મેઈન થી ઉસકે ઇલાવા આપકો પ્રોડક્ટિવ કેપિટલ જનરેટ કરની પ્રોડક્શન કો ભી ઇન્ક્રીઝ કરના હે તો અગર થોડી બહોત યે સારી ચીજો પે હમ લોગ રેગ્યુલર બેસિસ પે કામ કરેંગે તો groth અપને આપાની હે ક્લિયર सो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन जीडीपी आपको पता है भाई नेशनल इनकम पढ़ के आए हमारे सारे बच्चे है ना कौन कौन से थ्री मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम के भूल गए क्या वैल्यू एडेड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड ये तीन मेथड्स पढ़े थे वो किस में पढ़े थे हमने नेशनल इनकम में ही पढ़े थे तो आपको पता है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है कि कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है पर्टिकुलर ईयर में विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज या पोलिटिकल फ्रंटर्स ऑफ अ कंट्री सो दैट इज वाई डोमेस्टिक टेरिटरी मैं बोलूँ बेसिकली राइट सो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग जीडीपी से भी मेजर करते हैं सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर Higher the GDP indicates the general public can avail more benefits from the nation's economic policies and this economic policy take place due to an increase in the production capacity of goods and services and due to influx of capital into the economy. Agar aap socho, हम इसको ऐसे सोचते हैं GDP का मतलब क्या है कि भाई आप market value का ka calculation कर रहे हो कि कितना सामान बना है आपकी economy में कितने goods and services बने throughout the year. अब goods and services कब बनते हैं? सप्लाई कब होगा जब डिमांड होगी है ना क्योंकि डिमांड और सप्लाई तो साथ में ही चलते हैं डिमांड और सप्लाई तो साथ में चलते हैं तो अगर आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा मेरे गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं मतलब मार्केट में डिमांड है और मार्केट में डिमांड है का मतलब क्या होता है भाई लोग परचेस करना चाह रहे हैं तभी डिमांड कर रहे हैं तो अगर जीडीपी बढ़ रही तो मैं इस तरीके से ले सकती हूँ कि हो सकता है कि मेजरली लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही है चीजों को खरीदने की मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हो रहा है दैट इज वाई जी को एक इंडिकेटर माना गया है जब मैं ग्रोथ के टर्म्स में बात करती हूँ ठीक है इसका स्क्रीन लेंगे सभी लेकिन आपको पता है कि जीडीपी वेलफेयर वाला पार्ट भी हमने पढ़ा है कि अगर ज्यादा जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वेलफेयर अच्छा हो रहा है क्योंकि जीडीपी इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं है ना इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है लेकिन अफकोर्स अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो एक अच्छा इंडिकेटर ही माना गया है अगर वो इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हो रहा हो तो द जी डी पी ऑफ द कंट्री इज डिप्राइड फ्रॉम द वेरियस सेक्टर्स द बेसिक सेक्टर्स ऑफ एन इकोनमी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर हो गया एंड एवरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपोजिशन ऑफ जी डी पी हर एक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड इन सम कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द जी डी पी वॉल इन सम्रीज सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट अभी के करंट सिनारियों में अगर मैं पूछूं तो जीडीपी में इतने सारे सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो सर्विस सेक्टर है अभी करंटली इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत करता था लेकिन करंटली सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में ठीक है इंक्रीज इन द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी जैसे मैंने अभी आपको बताया बाय 1990 द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वाज़ फोर्टी

जब एलपीजी आए लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद तो बहुत अच्छे से ग्रो किया है पूरे सर्विस सेक्टर ने राइट right? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी डन नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है अच्छे कपड़े पहनले पहले साड़ी पहनते थे अब सूट की जगह हम लोग जींस टॉप पहन रहे थे तो मॉडर्न बन गए क्या ये मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है क्या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्नाइजेशन का क्या मीनिंग आप लोग समझते हैं पहले आप मुझे थोड़ा अपने माइंड में फ्रेम करिए डू यू अंडरस्टैंड माई मॉडर्नाइजेशन जल्दी बताओ मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो आप नई टेक्नोलॉजी को सीखते हो नई चीजें एनहांस करते हो उसकी वजह से आपका काम आसान होता है और बेटर तरीके से आप काम करते हो कि कम समय में, समय, कम समय 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 में में ज़्यादा ज़्यादा काम आपका हो पा रहा है तो एक तरीके से आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो जब मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं सो मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द इन कॉपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टू द इकॉनमी इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन सोसाइटी इन्वेंशंस एडवांसमेंट्स मेजर डिस्कवरीज इनोवेश प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री एंड इंक्रीजेज इट्स आउटपुट तो हमें पता है कि अगर ज्यादा इन्वेंशन होंगे इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई स्टार्टअप इंडिया क्यों बोल रहे हैं हम ऑन्टरप्रिनशिप को इतना ज्यादा हम लोग प्रमोट क्यों कर रहे हैं हम चाहते हैं कि भाई इनोवेशन हो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो यहाँ के ही लोग कुछ अच्छा इन्वेंट करें आपको पता है, एक होता हमारे है हमारे पास वेल्थ ड्रेन जो ब्रिटिशर्स ले गए मतलब हमारी जो वेल्थ थी काफी हद तक ड्रेन करके ड्रेन मतलब यहां से बेसिकली धीरे धीरे करके आपके जो वेल्थ थी वो कम होने लग गई वैसे एक होता है हमारे पास ब्रेन ड्रेन इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका बहुत ही एक ऐसा सेक्शन ऑफ पीपल रहता है जो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं इनोवेशन में बहुत अच्छे रहते हैं दोज पीपल हु रियली हैव वेरी इनोवेटिव इन्वेंशन ऐसे कुछ पीपल जिनका ब्रेन अच्छा है जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हेल्प कर सकते हैं वो आपकी खुद की कंट्री में ना रह के दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज उनको वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो हम नहीं चाहते कि भाई वेल्थ ड्रेन तो हो गया कि हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो So we want कि भाई इंडिया के जो होशियार लोग हैं जो सच में कुछ करना चाह रहे हैं बाहर ना लिए वर्क करें रिमेम्बर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था भाई, मैं नासा में ही काम, नासा में काम नहीं करूंगा आई विल वर्क इन इसरो इंडिया का डेवलपमेंट हो तो मैं इसरो में ही काम करूंगा सो दैट इज वाई हमें ये जानना है कि जो हमारे यूथ है जो इतना इतना पोटेंशियल है उसकी जो पोटेंशियल है वो आप इंडिया में ही उसको यूटिलाइज करो कि वो आपके देश के काम आए ना कि भाई कोई उसका दूसरा देश उसका फायदा उठा ले सो दैट इज वाई मॉडर्नाइजेशन की जब मैं बात कर रही हूँ हम लोग उसको बोल रहे हैं कि आप नई इनोवेशन लेके आ रहे हो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो ताकि अपने ग्रोथ को आप एक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ रियल तरीके से तो सबसे पहले मेरे पास आता है अडॉप्शन ऑफ या अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी सो द मेन एम ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन इंक्रीज इन आउटपुट एंड ओवर द ईयर्स द इंडियन इकोनमी हैज ऑल्सो अ राइज इन द आई सेक्टर ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन तो पहला स्टेप यही रहता है कि आप टेक्नोलॉजी को लेकर आओगे तो आपका काम आसान होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी अगर आपने देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं

एक जो बोलती है ओपन माइंडेड रहो राइट नॉट कंट्रोल लाइफ को कर लो बहुत बड़ी बात है, है ना? तो अपनी जिंदगी को पहले संभालिए वर्क ऑन योर सेल्फ रेदर बुलिंग एंड पुटिंग डेवलपमेंट हो इन योर लाइफ फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फोकस ऑन योर सेल्फ नॉट ऑन अदर्स कि वो क्या कर रहे हैं वो ऐसे क्यों है उन्हें ये क्यों पहना उनने ये क्यों किया अफकोर्स जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उसके लिए हम तो बोलेंगे लेकिन अंडरस्टैंड कि सबके पास अपना खुद का फ्रीडम भी है वी लिव इन अ फ्री कंट्री तो ये सारी चीजों को भी आपको देखना है बिकॉज आप सोचो कि अगर हर दो दिन में अगर दंगे हो रहे हैं कर्फ्यू लग रहा है तो ऐसे कोई इकोनॉमी ग्रो करेगी क्या नहीं लेकिन अगर सब ओपन माइंडेड है अपनी लाइफ जीन रहे हैं वर्क ऑन द इनसेफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज वर्किंग ऑन द इनसेफ तो एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि सब लोग अच्छे से काम करेंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट होना तय है राइट सो दैट इज वाई मॉडर्नाइजेशन का मतलब टेक्नोलॉजी को तो हमने नई तरीके से अपने साथ अडॉप्ट करना ही है लेकिन उसके साथ साथ सोशल आउटलुक जो है हमारा लाइफ को लेके लोगों को लेके ये भी हमें चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़रूरी है थर्ड क्या है मेरे पास सेल्फ रिलायंस इसका मतलब क्या है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी बिकेम टू रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स है ना बिकॉज क्या था कि हमारे पास तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे इम्पोर्ट्स पे कि हम लोग दूसरों देश पे निर्भर थे कि वो हमें सप्लाई करेंगे तब हम लोग एक तरीके से सस्टेन कर पाएंगे

उसके बाद भी अगर मुझे किसी और पर निर्भर करना लगे कि भाई मुझे किसी और कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़े तो ये क्या बात हुई फिर? क्योंकि फिर आप इतने ज्यादा लोग जब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है सो दैट इज अगर मुझे पता है कि मेरी मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है सो आई विल ट्राई माई एटलीस्ट वो वाले पोर्शन में तो मुझे इंपोर्ट ना करना पड़े तो so, अगर मैं सेवन एडिशन तक जो मेरे फाइव ईयर प्लान्स के हैं मतलब थर्टी फाइव ईयर्स तक आप मान के चलिए वी वर स्टिल वर्किंग कि हम लोग सेल्फ सफिशियंसी अरेंज कर पाए अगर एग्रीकल्चर में अच्छे हैं तो भाई एग्रीकल्चर के कोई भी गुड्स में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए राइट right? सो so, ये हम बोल सकते हैं कि सेल्फ सफिश का मतलब होता है डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिकली रिसोर्सेज कि भाई आप खुद से हर एक चीज को डेवलपमेंट करो आपको भी अपने लाइफ में सेल्फ रिलायंट बनना है दूसरों पर निर्भर नहीं करना है पेरेंट्स के इनकम पर डिपेंडेंट नहीं करना है बल्कि ऐसे बनो कि यू कैन मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स को बेटर लाइफ स्टाइल दे पाओ राइट right? तो आपको भी सेल्फ रिलायंट बनना है अपने लाइफ में, तो अपने में। क्या स्क्रीन स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी डन सो सेल्फ रिलायंस वॉज एनकरेज ड्यू टू टू रिसोर्सेस पहला क्या था कि हमें बर्डन रिड्यूस करना था ऑन फॉरन डिपेंडेंसी हम नहीं चाहते थे कि भाई मैं किसी फॉरेन देश पर निर्भर करूं कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है ऑलरेडी फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से हम बहुत भुगत चुके थे है ना 200 साल भुगत लिया ना हमने उससे ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स आए उसके अलावा भी तो कितने इन्वेडर्स आए लेकिन ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा क्रूअल तरीके से हम पे रूल किया तो अगर मैं बात करूँ पहला चीज़ मेरे पास आता है टू रिड्यूस फॉरन डिपेंडेंस मैं दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाह रही चीज ये थी सो दैट इज वाई एज इंडिया रिसेंटली गॉट फ्रीडम फ्रॉम फॉरन कंट्रोल इट वॉज नेसेसरी फॉर इंडिया टू बिकम इंडिपेंडेंट रिड्यूस इड डिपेंडेंसी ऑन फॉरिन कंट्री स्पेशली फॉर फूड एन एग्रीकल्चर आइटम्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एग्रील्चर सेक्टर आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है सो वर्क ऑन इट उसको अच्छा बनाओ कि आपको किसी और डिपेंडेंट न रहना पड़े फॉर फूड क्लियर सेकंड क्या चीज थी मेरे पास टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस इफ फॉरेन इंटरफेरेंस के चक्कर में ही सारी गाड़ी हमारी खराब हुई थी कहानी हमारी बिगड़ गई थी क्यों बिकॉज़ वी लेट अदर कंट्रीज टू कम बिजनेस किया बिजनेस तो सब ठीक था उससे पहले भी तो बिजनेस चल रहा था एंशिएंट टाइम से ट्रेड चली आ रही है लेकिन उनका ऐसा क्या सिनेरियो बन गया कि वो ट्रेड करते-करते 200 साल तक हम पर रूल कर गए तो ये हमें सोचने की बात थी कि हमने फॉरेन इंटरफेरेंस इतना होने दिया कि वो सिर्फ बिजनेस के लिए आए थे लेकिन हम पे पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली हर तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करके चले गए सो दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अफ्रेड दैट डिपेंडेंसी ऑन फॉरन कंट्रीज फॉर फूड सप्लाईज कैपिटल टेक्नोलॉजी मे इंक्रीज फॉरन इंटरफेरेंस इन द इकोनमी पॉलिसीज ऑफ द कंट्री जो हमें एक तरीके से डर था क्योंकि ये सारी चीजें अभी होके गई हैं हमारे साथ है ना अभी-अभी धक्का अभी लगा है दिल को तो कैसे समलेगा सो दैट इज व्हाई सेम चीज यहाँ पे भी थी कि अभी 200 साल से इतना स्ट्रगल करके हमें इंडिपेंडेंस मिली है तो so एकदम से आप फिर से वही वाली चीज में आप कैसे भरोसा कर लोगे सो दैट इज व्हाई वी वांटेड टू मेक श्योर कि जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो भी कम हो और इंटरफेरेंस मेरा कम होना चाहिए क्लियर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी डन नेक्स्ट है मेरे पास इक्विटी अब जब मैं बात करती हूँ इक्विटी शेयर्स वाला इक्विटी तो नहीं है पहले तो वाला दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है यहाँ पे ठीक है फिर इक्वालिटी अलग होता है इक्विटी अलग होता है ये भी ध्यान रखना इक्वालिटी का मतलब क्या होता है सबको बराबर बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए इक्विटी का मतलब क्या होता है जो जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए है ना अब सपोज आप कुछ काम नहीं कर रहे आपका दोस्त दस घंटे काम कर रहा है लेकिन आपको भी सैलरी उतनी मिल रही है उसको भी सैलरी उतनी मिल रही है तो ये तो गलत है ना बिकॉज आप तो कोई काम नहीं कर रहे सारा काम तो वो कर रहा है तो अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसके रेपोकोशन होने चाहिए और जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए तो ये होता है इक्विटी ठीक है सो दैट इज वाई द प्रीवियस जो हमारे गोल्स से फोकस ऑन डिपेंडेंस ऑफ द इकोनॉमी ओनली बट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट सफिशियंट द फाइव ईयर प्लान मस्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो है ना अभी तक आप देख रहे थे कि नहीं हमें मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए ठीक है हमें कोशिश करना है कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बने ग्रोथ पे ध्यान देना है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफर्म से ठीक है लेकिन कोई कंट्री किससे बनती है लोगों से बनती है पीपल से बनती है सोसाइटी से बनती है तो एज अ सोसाइटी आप कैसे हो ये भी कहीं कही ना कहीं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी सो दैट इज वाई ये वाला जो पोर्शन जब मैं इक्विटी की बात करती हूँ मैं यहाँ पे बेसिकली काम कर रही रूँ कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए

इक्विटी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन ऑफ द नेशन है बेसिक नीड्स है ना कि भाई डिजर्व क्या करते हैं बेसिक नीड तो सबको मिलनी चाहिए ना बेसिक पढ़ाई सबकी होनी चाहिए बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको होना चाहिए बेसिक राइट right हर एक इंसान के होने चाहिए इंडिया में तो वो इन्श्योर करना किसका काम है इक्विटी का सो इट ऑल्सो ट्राइज टू रिड्यूस द इन इक्वालिटी एंड द वेल्थ गैप इन सोसाइटी है ना जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन कलर आप उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो ये सही नहीं है सबको राइट right है ये वाली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं सो इन शॉर्ट इक्विटी एम्स एट रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस क्योंकि जस्टिस क्या है सभी के लिए है इट इज इक्वल फॉर ऑल क्लियर

वीडियो में भी बताया है लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताना है कि उसका क्या फुल फॉर्म है और ये कब आया था राइट right, स्टूडेंट्स तो ये हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ा है कि किस तरीके से फाइव ईयर प्लान्स के गोल्स डिसाइड होते हैं और किस पैरामीटर्स पे पर वो डिसाइड होते हैं फाइन तो ओपनली आपको क्लास अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो आपको बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एज यू नो स्टूडेंट्स की मैनेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की हम कवर करते हैं क्लासेस अंदर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक एंड वी ऑल्सो हिंदी मीडियम चैनल हम कवर करते हैं क्लासेस सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्थ सीबीएस के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं दैट इज बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बार एंड राजस्थान बोर्ड एंड उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स हम लोग वैदिक मैथ्स इंग्लिश स्पोकन कोर्स एंड साथ ही में आपको क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए साथ ही में स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है चाहे वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो व्हाट्सअप हो ट्विटर हो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमारे एप्लीकेशन हमारे वेबसाइट को भी जाकर रिफर कर सकते हैं तो ये थी वही पूरी कहानी मैंने ब्रेंस की जो मैंने आपको अच्छे समझा है आपको कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं राइट तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन पर ऐसी प्रैक्टिस करते रहना अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं और मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग